Good morning, class. How are you all? I hope you all are good. This is your English teacher, Jyoti ma'am here. So kids, welcome to your today's English class. Today, we will be starting a new English grammar topic. That is your chapter number 18, Present Perfect Tense. So students, आपको पता है ना, मैंने आपको start करवा दिया है tenses, जिसमें हम लोग present perfect tense कर चुके हैं और present continuous tense कर चुके हैं. परफेक्ट टेंस में होता है एस, एस लगता है सिर्फ, ई एस सिंपल होता है, कंटिन्यूस में आई एन जी लगता है. एंड नाउ वी विल बी डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लिसन द वीडियो केयरफुली. अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. ओके, सो जो एक्टिविटीज थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो क्या थी? जो एक्टिविटीज़ हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तकरीबन रोज़ाना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है जो एक्टिविटी अभी भी चल रही है, जो चल रही है. आई एम ईटिंग, आई एम रनिंग. नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये कब यूज़ होता है? ये उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में हुई हैं, मतलब हाल ही के पास्ट में, अभी अभी, और जिनका इफेक्ट जो है ना, वो प्रेजेंट में दिखता है. मतलब ये प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ता है. अब कैसे, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ. रोहन हैज मेड टू स्पेलिंग मिस्टेक्स इन हिज एसे. ओके, ये एक सेंटेंस है जिसमें ये बताया रोहन ने अपने एसे में दो स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं. नाउ अब इसमें कैसे पता लगाएंगे हम? आई एक्सप्लेन यू. इसका क्या मतलब था कि रोहन ने ये एसे लिखना स्टार्ट किया था, जो ये एक पास्ट की एक्टिविटी है, और अब प्रेजेंट में जब वो एसे चेक हुआ है, उसमें दो स्पेलिंग मिस्टेक्स निकली. अंडरस्टूड? पास्ट में उसने लिखना स्टार्ट किया था और अब जब वो चेक हो रहा है तो उसमें दो स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगे. तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को इसने कनेक्ट किया है. ये काम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें आप हमेशा देखोगे वर्ड्स जो आएंगे ना, वो होंगे हैज, हैव, ठीक है, हैज हैव ही आता है इसमें. हैज हैव आएगा और आगे जो आएगा ना, वो आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स से ही हैज सर्व्ड हिज कंट्री. ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. अब इसमें ये हैज और सर्व्ड बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. क्या इसमें हैज आता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है. पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वर्ब का, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. जैसे कि होता है ईट, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट होगा एट और पास्ट पार्टिसिपल होगा ईटन. तो ये आपको याद करने पड़ेंगे. जैसे अभी ये होता है ही हैज ईटन हिज डिनर, तो वहां पे ईटन आता, एट या ईट नहीं. ये आपको जो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म है, इनका पूरा इंडेक्स जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, यू हैव टू लर्न इट. सो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस बनाओगे, तो वो हैज है होगा उसमें, और जो ये फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होगा वर्ब का. ये कौन से का है? सर्व. वर्ब क्या था? सर्व था. उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सर्व्ड. ऐसा ही मैं एक और बताती हूँ. They have bought a new car. तो इसमें have आएगा plus past participle form of कौन सा verb है ये? Buy. Buy verb का ना, buy, bought, bought. So this is past participle form of verb buy. So ऐसे ही sentences form होंगे, has, have आएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा. अब आपको ये तो मैंने बताया ही था कि हैज़ हैव कहाँ यूज होता है. हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है,
शी ही इट रीना गीता जो भी सिंगुलर होंगे हैव यूज होगा आई यू और प्लूरल्स दे देम वी अस देम और सॉरी देम और अस तो आएगा ही नहीं हैव के साथ दे वी और जो भी प्लूरल है जैसे रीता और गीता दो लोग हो गए चिल्ड्रन बहुत सारे लोग होंगे जब भी प्लूरल होगा हैव आएगा जब भी सिंगुलर होगा हैज आएगा सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर किड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक्टिविटी प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करेगा उसमें हैज और हैव यूज होगा और जो वर्ब का जो फॉर्म है ना वो पास्ट पार्टिसिपल होगा आई विल शो यू सी इन योर बुक्स आपके टेबल्स दे रखे हैं जैसे टॉक टॉक टॉक्ड होता है ज्यादातर का सेम होगा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जैसे इनमें सेम है टाइड टाइड सेव्ड सेव्ड लेकिन एक्सेप्शंस जो आएंगे ना वो आपको याद करने पड़ेंगे जैसे कि इधर देखो हाइड हिड हिडन कीप केप्ट केप्ट यहाँ पे है देखिए ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ईट एट ईटन फॉल फेल फॉलन फॉरगॉट फॉरगॉट फॉरगॉटन गेट गॉट गॉटन गिव गेव गिवन गो वेंट गॉन तो ये जो है ना जिनमें चेंजेस आए हैं ये वाले आपको लर्न ही करने पड़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओके तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप यूज करना इसको करेक्टली सीख पाओगे सो दिस दैट्स इट फॉर टुडेज चैप्टर थैंक यू सो मच किड्स हैव अ ग्रेट डे